सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। आज के AEW के कॉलिजन शो में हमें ब्रॉडी किंग वर्सेस अंड्राडे इल इडियोलो के बीच में सिंगल्स मैच देखने को मिल रहा है। तो इस मैच के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ जाकर सब्सक्राइब करो और चलिए सारी वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइज, लास्ट वीक के AEW के कॉलिजन शो में हमें अंड्राडे इल इडियोलो वर्सेस बॉडी मैथ्यूज का मैच देखने को मिलता है। इस वाले मैच में हमें क्या देखने को मिलता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस वाले मैच में ऐसा देखने को मिलता है कि जब इस वाले मैच को अंड्राडे इल इडियोलो जीतते हैं तो बॉडी मैथ्यूज से हाथ मिलाने जाते हैं अंड्राडे इल इडियोलो, लेकिन उनसे वो हाथ नहीं मिलाते हैं। उसके बाद हमें हाउस ऑफ ब्लैक का रिटर्न देखने को मिलता है। हाउस ऑफ ब्लैक रिटर्न करके ब्रॉडी किंग अटैक करते हैं, एक मतलब आप कह सकते हो कि हाथ से अटैक कर देते हैं अंड्राडे इल इडियोलो पे। और गाइस, इसी को देखते हुए इस वीक के AEW के कॉलिजन शो के लिए अनाउंस होता है। और गाइस, आज के AEW के कॉलिजन शो में हमें ब्रॉडी किंग वर्सेज अंड्राडे इल इडियोलो के बीच में सिंगल्स मैच देखने को मिल रहा है। हम लोग शुभकामनाएं ये करें कि इस वाले मैच में हमें फिर से हाउस ऑफ ब्लैक का इन्वेड देखने को ना मिले। तो हो सकता है कि एट द एंड इस वाले मैच को ब्रॉडी किंग जीत सकते हैं और अंड्राडे इल इडियोलो हार जाए। लेकिन हाँ गाइज, आज के AEW के कॉलिजन शो में ये वाला मैच हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और वहीं पे गाइज, इस वाले मैच के रिजल्ट की मैंने बात आपको बताया कि हो सकता है कि मे बी ब्रॉडी किंग इस वाले मैच को जीत जाए। अगर हाउस ऑफ ब्लैक का भी इन्वेट होता है तो मे बी आसानी से इस वाले मैच को ब्रॉडी किंग जीत जाएंगे। और देखना होगा गाइज किस वाले मैच का हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन हाँ गाइज, आज के AEW के कॉलिजन शो में ब्रॉडी किंग वर्सेज अंड्राडे इल इडियोलो के बीच में हमें सिंगल्स मैच देखने को मिल रहा है। और गाइज, इस वाले मैच के रिजल्ट के बारे में आपको क्या कहना है आप मुझे जाके बता सकते हो। तो मेरे को कुछ यही लग रहा है और आज के AEW के कॉलिजन शो में हमें कुछ यही सीन देखने को मिल रहा है। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी।